नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। दिवाली क्लीनिंग आजकल लास्ट लैप पर चल रही है ना। मेजर क्लीनिंग तो आप ज़रूर कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फाइनल टचेस तो अभी भी बाकी है। इसलिए आज इस वीडियो में चलिए ऐसे कुछ क्लीनिंग हैक्स शेयर करते हैं जो कि आपको ये फाइनल टचेस देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी कभी फर्नीचर्स पर पेंट की दाग लग जाती है और वो क्लीन ही नहीं होता। फर्नीचर से पेंट क्लीन करने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर सैनिटाइजर डाल के फर्नीचर के ऊपर थोड़ा सा रब कीजिए, देखना कितनी आसानी से पेंट निकलकर आ जाएगा। समय के साथ फर्नीचर्स के ऊपर इस तरह के स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसे ठीक करने का एक इजी तरीका है। आपके पास क्रेयॉन्स तो ज़रूर होंगे, वैक्स क्रेयॉन यूज करना है, प्लास्टिक क्रेयॉन से काम नहीं चलेगा। अभी फर्नीचर्स के कलर के हिसाब से आपको एक क्रेयॉन चूज करना है और स्क्रैचेस के ऊपर हल्के हाथों से रब करना है। इससे क्या होगा, स्क्रैचेस की वजह से जो डेंट्स क्रिएट होता है ना, वो सारे गैप्स क्रेयॉन से फिल हो जाएगा। अगर फर्नीचर के कलर के हिसाब से आपको एग्जैक्ट कलर ना मिले तो आप दो कलर मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। देन एक कॉटन क्लॉथ के हेल्प से एक्स्ट्रा कलर को रब करके क्लीन कर लेना है। अब देखना स्क्रैचेस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा। और इस तरीके का एक छोटा सा स्टेप फॉलो करने से आपका फर्नीचर हमेशा नया जैसा दिखेगा। बर्थडे डेकोरेशन के लिए अगर हम ये सेल्फ एडहेसिव टेप यूज करते हैं तो उसे निकलने के टाइम कभी कभी वॉल पेंट खराब हो जाता है। मेरी वॉल पे ये जो वॉल स्टिकर लगा हुआ है ये भी अभी निकलने लगा है और वॉल भी खराब कर रहा है। वॉल को सही रखने के लिए मैं ना हमेशा सेम शेड की वॉल पेंट हैंडी रखती हूँ और एक पुराना लॉन्ड्री बैग में सारा पेंट का सामान स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपका खुद का घर है तो कलर शीट तो आपको पता ही होगा, लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट के लिए भी कलर शीट पता करना उतना मुश्किल नहीं है। शेड कार्ड को थोड़ा अच्छे से टैली करने से ही आप इजीली शेड चूज कर पाएंगे और सही से स्टोर करेंगे तो पेंट सालों साल एज इट इज रहता है। अभी एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से जहां पे डैमेज हुआ है उस जगह को स्पॉट पेंटिंग कर लीजिए। ड्राई होने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा। स्विच बोर्ड के आसपास के वॉल भी ब्लैकिश हो जाता है क्योंकि वहां बार बार हाथ लगता है, तो वहां पर भी आप सेम इसी तरह से वॉल को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए पेंट की एक लीटर का कंटेनर अगर आप घर पर रखा करेंगे तो वॉल कलर को लेकर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ फर्नीचर्स में इस तरह के कॉन्टिंग्स होता है जो कि डेली क्लीनिंग में अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता और उसमें धीरे धीरे डस्ट जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो फर्नीचर डल दिखने लगता है। इस तरीके का फर्नीचर क्लीन करने के लिए आप पहले एक ओल्ड टूथब्रश के हेल्प से सारे डस्ट हटा लें, देन फर्नीचर को फर्दर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करने के लिए एक DIY सोल्यूशन बना लें। एक बोल में एक टेबलस्पून विनेगर के साथ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। देन एक कॉटन कपड़े के हेल्प से फर्नीचर पे ये सोल्यूशन लगाए और क्लॉथ के ड्राई साइड से एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन है उसे वाइप कर ले। इस तरह से डस्ट भी चले जाएंगे और ओल्ड फर्नीचर्स में एक नया जैसा शाइन भी वापस आ जाएगी। आप चाहे तो टोटल सरफेस को भी इस सोल्यूशन के हेल्प से पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजिली पुराना वुडन डल फर्नीचर्स में नया जैसा शाइन वापस लाया जा सकता है। वॉल डेकोर के लिए वॉल शेल्फ या फिर वॉल पेंटिंग हम सब यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है क्लीनिंग के टाइम उन सारी चीजों को हटाने रखने के चक्कर में कई बार वॉल पर इस तरह के दाग आ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसे क्लीन करने के लिए बच्चों की पेंसिल बॉक्स से एक इरेजर ले लीजिए
और उसके हेल्प से इस दाग को सिर्फ इरेज किया कीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपका वॉल जरूर क्लीन हो जाएगा। अभी आपके पास अगर पेंट है तो एक कोट पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। इस तरह का क्लीन वॉल दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करके चलेंगे तो इसे क्लीन रखना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके वुडन फर्नीचर के ऊपर इस तरह का एक ब्लैक लेयर आ गया है तो उसे क्लीन करने के लिए कॉलिन यूज किया जा सकता है। कॉलिन को स्प्रे करके जस्ट वाइप कर लीजिए, कोई भी रबिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलिन यूज करके सिर्फ ग्लास ही नहीं, किसी भी तरह की डस्ट स्टेन क्लीन किया जा सकता है। इस दिवाली विंडो ग्लासेस अगर ठीक से क्लीन नहीं हो पाया है तो ये सोल्यूशन ट्राई कर ले। एक स्प्रे बॉटल में एक कप पानी, हाफ कप विनेगर एंड 2 से 4 ड्रॉप डिश लिक्विड मिक्स कर लेना है। घर में अगर स्पिरिट है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके ग्लास क्लीन कर ले। ये किसी भी स्टोर बॉट ग्लास क्लीनर से अच्छा काम करता है। सॉल्यूशन जब ड्राई हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि विंडो ग्लास ओपन है या फिर क्लोज। सिर्फ विंडो ग्लास ही नहीं, किसी भी तरह के ग्लासेस को क्लीन करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ट्राई करके जरूर देखिएगा। बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए फ्लोर पर अक्सर कलर या फिर ग्लू का निशान लगा देता है, और रेगुलर मॉपिंग से वो साफ नहीं होता। इस तरह के निशान के ऊपर सबसे पहले WD-40 स्प्रे करें, दिन कुछ देर छोड़ने के बाद थोड़ा सा स्क्रब करते ही सारे निशान हट जाता है। कोई भी मेहनत के बिना फ्लोर इजीली साफ हो जाता है। आपके घर का किसी भी टफ क्लीनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन है WD-40। बहुत यूजफुल सॉल्यूशन है। घर पर एक WD-40 का बॉटल जरूर रखा करें। कभी कभी रखा हुआ नया स्टील बर्तन में भी बिना कारण जंग लग जाता है। मेरे पास रखा हुआ ये जो एक्स्ट्रा बॉटल एंड ग्लास था उसमें भी एक अजीब सा दाग और जंग लग गया था, तो इसे तो क्लीन करना ही था। और क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे वही मैजिक क्लीनर, बेकिंग सोडा, नमक और विनेगर। सारे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टी रोल के हेल्प से थोड़ा सा स्क्रब करने से ही जंग, दाग सब कुछ निकल कर आ जाएगा, और स्टील यूटेंसिल्स में एक अलग से शाइन भी आएगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विश कि दीपावली के ये त्योहार आप सबके लिए बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारी रोशनी लेकर आए। आप सब अपनों के साथ स्वस्थ रहे, खुश रहे। नेक्स्ट वीक वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आप सबके साथ बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। बाय बाय।